नमस्कार, आपका स्वागत है मन की आवाज न्यूज में। जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि घने बादल छाए हुए हैं और किसी तरह की कोई हलचल नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं सामने अचानक धीरे धीरे बिजली, और वो भी ईशान दिशा में। यानी हमारे राजस्थान में एक कहावत है कि काका ईशोनी तो रुपियोरी नौड़ी विशोनी, इस तरह की जो कहावत थी, मतलब ईशान दिशा में अगर बिजली कड़कती है तो उस बारिश के आने के आसार 100% हो जाते हैं। और थोड़ी ही देर में, जैसे कि हम आपको बता ही रहे थे, ईशान खंड में बिजली कड़कने लगे और बादल धीरे धीरे छाने लगे, काले घने बादल छा गए और हवा भी चलने लगी, जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया था। और अब बड़ी ही जोर से बिजली भी कड़क रही है और बादल भी गरज रहे हैं, और इस गरजती और बरसती परिस्थिति में धीरे धीरे पानी की बूंदें गिरने लगी हैं, एक एक दो दो दिन, और अचानक सर की आवाज़ के साथ में बादल बरसने लगे। और आप देख सकते हैं बड़ी ही तेज़ी से मूसलाधार बारिश हो रही है, पूरे अपने सबाब पर है बारिश, और ये बारिश अब शाम तक रात तक रुकने का नाम नहीं लेगी। हो सक्ता है सवेरे भी इसी तरह से चले, क्योंकि सावन महीना पूरा बीतने की तैयारी में है। ऊपर वाले ने भी देखा, इंद्र महाराज ने देखा कि अब यहाँ बारिश होनी चाहिए। हमें हमारे जो वीडियो है उस पर कई लोग कमेंट भी करते हैं, इस तरह के कमेंट कि आप जब लोगों को ये न्यूज़ दिखाते हैं तो बारिश नहीं आती है। हमने सोचा कि क्यों ना हम ये बारिश के समय ही न्यूज़ दिखाएं, जो लोग बाहर बैठे हैं उन्हें भी पता चले, और इस तरह की जो तत्वानुष्ठी सोच रखते हैं उन लोगों के लिए बड़ा संदेश है कि यह सब अगर हमारे हाथ में होता तो हम हर साल हर पूरे महीने बारिश करवा देते। इसलिए सबसे निवेदन है कि लोगों को बताएं, जागरूक रहें, और इससे लोग अपना जो छोटा मोटा नुकसान हो रहा है उससे बच सकें, हमारी पूर्व सूचना पर। इसलिए हमारे साथ में बने रहिए, और आगे की हम और भी आपको बताएंगे। धन्यवाद, देखते रहिए हमारा चैनल, और देखिए बरसात की जो मौसम है किस तरह का है तेजी। धन्यवाद।